कबाड़ा। ये जगह कौन है? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 ये पैदा हुआ था। क्या हुआ था? पैदा हुआ था यहाँ पर। आजादी थोड़े मिला था, इसका क्या हुआ था? जन्म। और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, मरेगा ये भी। समझा कि नहीं? क्या भारतीय आजादी, ये छोटा इतना खचरा थे तो कि इसको 10 साल लग गया 1957 संविधान बनाने में। कितना साल लग? 10 साल लग गया संविधान बनाने। बिना संविधान बनाइले कोई देश आजादी के बाद 10 साल चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी कि नहीं? वहाँ जिसको जो मन मिला कब्जा लिया, और वही वहाँ पर क्या फैल गया है? अराजकता, बहुत भयानक अराजकता है पाकिस्तान। और वहाँ पे सेना जो है ना, सेना वो इतना दखल देती है पॉलिटिक्स में, सेना का बैनर लगता है। अगर कोई मेजर का बर्थडे उर्थडे ना तो अपना बैनर लगाता है। जिस तरह हमारा देश नेताओं से परेशान है ना, पाकिस्तान का देश सेनाओं से परेशान है। लेकिन लोग सेना की इज्जत वहाँ इसलिए करते हैं कि उसकी सेना हमेशा लड़ाई करती रहती है, कश्मीर में घुसेगी मारेगी, और उसकी सेना का टैक्टिक्स इतना ज्यादा है कि वो वहाँ के लोगों को धार्मिक रूप से बहकाना चाहती है। आप सबको पता है कि फौज में अगर लड़ाई लड़ना है तो चितकबरा ड्रेस बहुत अच्छा होता है, और सर पे हेलमेट होना चाहिए ताकि गोली ना लग सके, बढ़िया जूता होना चाहिए घुटना तक की, जंगल में सांप उप न कर। लेकिन ये पाकिस्तानी जब आतंकवादियों को भेजते हैं तो बढ़िया जूता भेजना चाहिए, कैमोफ्लाइज वाला चितकबरा ड्रेस और हेलमेट भेजना चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लड़ सके। नहीं, लेकिन ये कुर्ता पैजामा भेजते। आप समझो उसकी टैक्टिक समझना आप। वो जानबूझ के कुर्ता पैजामा भेजते और कहते हैं कि बंदूक छूट जाए तो छूट जाए, सर से टोपी नहीं उतरना चाहिए वरना मेन मकसद ही खत्म हो जाएगा। वो यहाँ पे खड़े 22 करोड़ मुसलमानों को सोचता है कि लड़वा दिया जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान में ही भले पड़ोसी के लड़के रहते होंगे, यहाँ सब भारत माँ की संतान है, यहाँ कोई पड़ोसी वाला नहीं है जो देश की गद्दारी करेगा। भारत में जो सबसे पहला सेना का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था ना, बहादुरी का पुरस्कार, सबसे पहला ब्रिगेडियर उस्मानी को, तोप का गोला सर पे गिर गया था, सर पे गिर गया था ब्रिगेडियर उस्मानी को यहाँ पर। और पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप हमको जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए विभाजन के बाद, क्योंकि जब देश विभाजन नहीं हुआ था ना तो ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत बड़े कमांडर थे, उनसे कहा हम आपको मेजर जनरल बना देंगे, हमारे पास आ जाइए। तो कहे कि ट्रेनिंग लिए भारत में, पहला सैलरी उठाए भारत में, खेले कूदे भारत में, विभाजन हो गया तो पाकिस्तान चल जाए, चलो हम आते हैं। फर्क ये रहेगा कि चाय पीने नहीं, हथियार लेके जंग करने आएंगे। मुलाकात तो होगी वहीं पे आपका। और ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में सेना गई थी, और जवाहरलाल नेहरू थे ना ये लोग, वहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजिए नहीं रहते, कह रहे थे ये आदमी ठीक नहीं है, बहुत मारता है जानवर की तरह लोगों को। सरदार पटेल कह रहे थे ये, कह रहे तो खोज रहे थे हम। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर उस्मानी को पूरा आजादी है, इन कुत्तों को उनकी औकात पता चलनी चाहिए। वहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी आगे पड़े थे, नेहरू तो रोक रहे थे कि ब्रिगेडियर उस्मानी ठीक, पता था इनको कि ब्रिगेडियर उस्मानी अजब टाइप का है, खतरनाक आदमी। लेकिन सरदार पटेल एक नंबर, ट्विनिंग एक नंबर बैठ रहा था, सरदार पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी एक नंबर। लेकिन इत्तेफाक किस्मत को कुछ और मंजूर था। युद्ध के मैदान में जब सैनिकों का मनोबल गिर रहा था, चारों ओर से गोलियां चल रही थी, तो ब्रिगेडियर उस्मानी वहां खड़े होकर करते कि आगे बढ़ो, हमला करते रहो। और नौशेरा कब्जा हो चुका था, और उस एरिया का सबसे ऊंचा एरिया था नौशेरा, अगर वहां पर कब्जा हो गया रहता पाकिस्तानियों का तो तुरंत वैष्णो देवी और जम्मू कब्जा हो जाता। तो नौशेरा में पहुंचे ब्रिगेडियर उस्मानी, और नौशेरा की लड़ाई को महज 2 घंटे में जीत लिए, क्योंकि जब सैनिकों ने देखा कि हमारा कमांडर खड़ा है युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते जा रहा है, तो सैनिकों ने कहा कि भाड़ में जी तो जी के क्या फायदा, कमांडर आ गया, मार शत्रु को। मारा गया पाकिस्तानी, भाग गए सब, भाग गया सब पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़ते गए, वहां पे एक तोप का गोला सीधे किसके ऊपर गिर गया? ब्रिगेडियर। उस समय केएम करियप्पा जो थे सेनापति थे, केएम करियप्पा जो थे वो भी खड़े थे, और जस्ट जैसे केएम करियप्पा हटे थे ना, तो उनके 2 मिनट बाद ठीक उसी जगह पे बम का गोला गिरा केएम करियप्पा के पास, वरना केएम करियप्पा भी चले गए थे सेना पर। उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि तोप के गोले भी सेनापति का इज्जत करते हैं। ये बहादुरी थी हमारे सैनिकों की। इन चोटों को लगता है कि तुम हमारे अंदर आके तोड़ दोगे, नहीं तोड़ पाओगे, अब तो गया जमाना, तुम किसी को ऐसे कुर्ता पैजामा पहना के भेज दोगे और तुम्हें लगेगा साइलेंटली तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाएगा, तो गया जमाना। तुम्हारे हर मकसद को कामयाब होने से पहले एक एक बच्चे बच्चे को पहुंचा देंगे हम लोग। ये आप लोग को भी याद रखिएगा,
आप बताइए, अजमल कसाब को जो गोली लगा था, सर पे वो टोपी के जगह हेलमेट पहना रहता तो मरता, या फिर कुर्ता के जगह बुलेट प्रूफ पहनता रहता? नहीं, लेकिन उनका तो मकसद कुछ और था। उन चोटों को यहाँ पर आओ कभी हमारे बैच से, एक बार कभी हम लोग चला जाएगा, गोली नहीं मारा जाएगा उसको, नोच नोच के मारेगा आदमी से। कसम बताते हैं, गोली नहीं मारना उसको, कैसे अदरक रगड़ा जाता है, देखें चील पे अदरक उदरक रगड़ा जाता है इसे, यहाँ पे कुछ कुछ रगड़ा जाता है, दीवाल बिना प्लास्टर वाला और उसपे मुहुआ लेके ऐसे रगड़ के बराबर सपाट कर देता है। बताइए, एक अकेला देश पूरी दुनिया में नाक कटा के रखा है, और ये केवल अपने ही लोगों के नाक कटा। बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहा था, बाद में पता चला फ्रांस का वहां राजदूत नहीं है। वही बात हमने बोल दिया तो एक बार यूट्यूब पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान का बात काट दिया, और उनको लगा कि हमने किसको बोला, मुसलमान, हम क्यों बोलने जा रहे हैं? हम तो खुद उसको कह रहे कि भैया तुमको ये बदनाम कर रहा है, अभी भी सुन लो, वरना तुम भारत में रह के 22 करोड़ उस हिस्से की गाली सुन रहे हो जिसके तुम गुनहगार नहीं हो, ये गुनहगार है। तो इनको अभी समझ में नहीं आ रहा, इसको लग रहा है कि खाने सर बाबा। अरे हम तो तुमको हकीकत बता रहे हैं, ये चोट्टा तुमको बिना गलती का सुनवाने आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन अगर आके कहने लगे खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे यहाँ पर, इसे जतना तो हमारा साथ दे रहा है कि फंसा रहा है, नहीं समझ में आया, कोई फंस नहीं जाएगा। अब दाऊद इब्राहिम जो बड़ा बड़ा ई सब है सब आके कैसे खान सर ठीक, खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए, जो हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, नहीं करता है सर ये सब। भारत में अगर कुछ भी होगा तो कहेगा हम कुछ नहीं होने देंगे इन लोगों को, फंस गए सब जाए यहाँ पे। ये इस सब की टैक्टिक है, ये और ये टैक्टिक जानते हैं उसकी सेना की, क्योंकि सेना अगर नहीं लड़ेगी तो सेना के प्रति लोगों का थोड़ा सा लगाव क्या होता रहता है धीरे धीरे। हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से प्रोफेशनल है, लड़ती नहीं है, अगर लड़ाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं में कश्मीर में बाढ़ आया, उत्तराखंड में तबाही आई, सेना कितना बढ़ चढ़ के काम किया, लेकिन ये सब ट्रेनिंग रनिंग होता रहता है, नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज कैंसर की अभी तक दवा नहीं बनी। नहीं आएगा, आएगा इसका भी, ये भी आएगा, दवाई आएगा, इसका भी कर सकता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? इस बकरीद में नहीं तो अगले वक्त घटना, लेकिन फिक्स है यहाँ पे। पाकिस्तान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिन्ना सोचे थे पाकिस्तान बना के ठीक से रहेंगे, सरदर्द बन गया पाकिस्तान इन लोगों के लिए, और बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। यार जो मतलब हर तरीके के युद्ध को बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते थे और जीते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे, इनका स्टोरी हम लोग उसमें भी सुने थे, वही वाला स्टोरी था या अलग था? वही स्टोरी था ना, जिसपे आगे उनको तोपा गिला गिर जाता। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।